भारत में अंग्रेजों द्वारा 1861 में पुलिस एक्ट आज़ादी आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। पिछले 150 सालों में भारत ने अपने कई कानूनों के संशोधन व बदलाव लाए। इधर संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन में भारत को यातना मुक्त बनाने के लिए भारत के हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत के पुलिस यहाँ के नागरिकों के साथ अमान्य व्यवहार कर रहा है। जैसे जिला कोडरमा प्रखंड डुमचांच पंचायत मसनोडी के शिवराम मेहता के साथ हुआ। शिवराम मेहता 8 सदस्यों का एक परिवार है और वह गाड़ी चलाकर अपना भरण पोषण करता है। दिनांक 12/7/2015 को ढाब रोड के किनारे गाड़ी खड़ा कर वह खाना खा रहा था। और रास्ता में बड़ा बाबू, छोटा बाबू, तीन लोग और कोई अन्य थे, हम पहचान नहीं सके। वही सब आकर के हमको बुलाए तो हम गए। और उसके बाद उन लोग बोले कि किसका गाड़ी है, हम बोले अनु का, तो बोले नहीं दिलीप का गाड़ी है, तो तुम झूठ बोल रहा है। अरे सुनील से कहाँ है, सो निकालो डंडा और मारो इसका चुतड़ में। और एक आदमी ऐसे करके हाथ पकड़ लिए थे और एक आदमी छोटा बाबू जो है सुनील, तो ऐसे करके मार लिए थे। हम तो मार पड़ने के बाद हम बेहोश हो गए थे। वहीं कोई दूसरा आदमी आकर के हमको उठा करके मैंने जगह पर ले गया। तो आपको बताया गया होगा ना कि किस लिए आपको मार रहे हैं? सो नहीं बोला, खाली बोला कि तुम झूठ बोलने के कारण ही मार खाया है। रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला आदमी है, कहाँ से लाएंगे, खर्चा लाएंगे, निराटा इलाज की बच्चा को खिलाएंगे कि अपने क्या करेंगे। सभी दर्शकों से मैं नम्र अपील करती हूं कि जिला कोडरमा के पुलिस अधीक्षक का नंबर 9431706350 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करें और भारतीय कानून को लागू करें। मैं विनती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।